नमस्कार, बहुत स्वागत है। 2024 और 25 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। इस भर्ती की प्रक्रिया में ऑनलाइन किस प्रकार से आप अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं, नए कैंडिडेट हैं और अतिथि शिक्षक के रूप में 2024 और 25 में काम करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो पूरा जरूर देख लेना चाहिए। इस वीडियो में कंप्लीट प्रक्रिया बता देंगे किस प्रकार से यहाँ पर आप जेफ्रेंस पोर्टल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन और पंजीयन और स्कोर कार्ड संशोधन अपडेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जेफ्रेंस पोर्टल। ये जेफ्रेंस पोर्टल है, इसमें तमाम तरह की जानकारियाँ आपको दिखने को मिल जाएगी। तमाम तरह के आदेश इसी पोर्टल पर आते हैं। तमाम तरह की वैकेंसी वगैरह के लिए सभी जानकारियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग मेन्यू बने हुए हैं। ये अतिथि शिक्षक की सेवाएं लेने योग्य अभ्यर्थी जिलावार, ब्लॉकवार, जिलावार, ये अलग, ये पोर्टल में जो संख्याएं होती हैं वो उनका मिलान अगर करंट वर्तमान में स्कूल में जाके करेंगे उस पर थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। लेकिन इस वाले कॉलम में यहाँ से अगर आप देखेंगे जो संभावित रिक्तियाँ हैं यहाँ पर आपको सही जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए साला का स्कूल का डाइस कोड है, प्रोफाइल वगैरह, ये सब देखने के लिए पूरा डिटेल यहाँ पर है। ये तो आपके पंजीयन के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वेतन मानदेय का पहले दिखता था, अभी मानदेय भुगतान की स्थिति यहाँ से नहीं दिख पाएगी क्योंकि अब जो है मानदेय का सिस्टम दूसरा हो गया है। अब मानदेय के लिए आपको डायरेक्ट जो है ये संकुल से या फिर बीओ ऑफिस से या फिर आपके खाते पर जो पैसा आया हुआ है टेजरी एमपी टेजरी की वेबसाइट से आप उसको जा करके अकाउंट नंबर डाल के वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हो गई आगे की बात, लेकिन फिलहाल हम पंजीयन की बात करेंगे यहाँ पर और आपके स्कोर कार्ड वगैरह की बात करेंगे। तो इसके लिए प्रक्रिया हम आपको डिटेल बता देंगे, आगे वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको जेफ्रेंस पोर्टल में ये वाला मेनू दिख रहा है, यहाँ पर इस वाले मेनू में आके नया पंजीयन होता है। तो इस यहाँ तक आने के लिए आपको जैसा कि खबर में बताया हुआ है जेफ्रेंस पोर्टल, गूगल में आपको सिंपल सा यहाँ पर आपको टाइप कर देना है जेफ्रेंस, मैं टाइप कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर GFMS इतना टाइप करेंगे। अब इतना टाइप करने के बाद आपको GFMS वाले में एक मिनट, ये डायरेक्ट हो गया, अभी GFMS डाल के GFMS ये आपका हो गया GFMS, इसको ओके कर देंगे। इसको जैसे ही ओके करेंगे आपके सामने ये पहला वाला जो लिंक आएगा इसी में आपको यहाँ पर है इस वाली में ओके कर देना है। इसमें ओके कर लेंगे, जब आप यहाँ पर ये ओके कर लिया वही वाला पोर्टल खुल जाएगा। नया आवेदन के लिए आप यहाँ पर आप इस वाले में ओके करेंगे, यहाँ पर ओके कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आएगा 2024-25 के लिए आवेदन पंजीयन हेतु दिशा निर्देश बताया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एक मोबाइल नंबर से एक ही जन का होगा, एक आधार से एक ही का केवाईसी होगा। फिर यहाँ पर ये आगे वाला बटन में इसको ओके कर लेंगे। इसको ओके करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए अतिथि शिक्षक आवेदन हेतु OTP के माध्यम से आवेदक का मोबाइल नंबर सत्यापित करना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आए आपको दो बार डालना है, ये मोबाइल नंबर वह वाला डालना है जो आपके पास परमानेंट चालू होना चाहिए। आगे की सभी प्रक्रियाएं इस मोबाइल नंबर के आधार पर ही निर्धारित होती हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहां पर मोबाइल पर OTP प्राप्त करेंगे जिससे आप तमाम प्रारंभिक नॉर्मली नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, इसको डालने के बाद आपका जो है फाइनली जो है मोबाइल नंबर आपका यूनिक नंबर बन जाएगा और एक पासवर्ड आपको OTP के माध्यम से आपके मोबाइल पर आएगा। उसको वो जैसे ही मिलेगा तब आपको यहाँ पर बैक हो जाना है और यहाँ पर आपको लॉगिन आ जाना है। ये लॉगिन इसके साइड में ही है, तो इस लॉगिन में ओके कर लेंगे। इस लॉगिन में ओके करने के बाद आपको नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए तो नीचे यहाँ पर यूजर नेम में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद जो आपने रजिस्टर्ड किया था उसके बाद आपको पासवर्ड जो आपको आपके मोबाइल पर आएगा। अगर नहीं आ पा रहा समझिए सर्वर दिक्कत है, रात में कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, ये तो उस समय अच्छा सर्वर चलता है। तो यहाँ से प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके बाद ये लॉगिन वाले में ओके कर दें, इसको लॉगिन करेंगे आपके सामने जेफ्रेंस पोर्टल ओपन होगा। उसका प्रक्रिया आपको अगले वीडियो पर बताएंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। इतने मुझे उम्मीद है आप वहाँ जाकर अपडेट क्वालिफिकेशन, EKYC
ये चीजें कर लेंगे, फालतू की चीजें नहीं करना है। स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करना है ये आगे आपको बताया जाए। तो चलिए यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। एक बड़ी खबर है अतिथि शिक्षकों के लिए, अतिथि शिक्षकों की भर्ती 2024 और 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन चालू है और इसकी अंतिम तारीख फिलहाल पहला स्टेप 15 जून 2024 है। यह तारीख अभी बढ़ जाएगी, परेशान नहीं होना है। जिसके रिकॉर्ड वगैरह कंप्लीट नहीं है वह रिकॉर्ड कर लेंगे। फिलहाल अभी पहला स्टेप 15 जून का ही यहां पर है। 15 जून के बाद एक बार और रिमाइंडर आएगा जिसमें तारीख को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जुलाई 2024 में स्कूलों पर जो नियुक्तियां हैं वह की जाती हैं। नियुक्तियों के पहले ये पूरा अपडेट यहां पर आप देख रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शासकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किया जाना है। उक्त परिप्रेक्ष्य में नवीन आवेदक जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक है, यानी बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट जिनके स्कोर कार्ड नहीं बने हुए हैं और वह अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक हैं, यह उनके लिए आवेदन हो रहे हैं। वहीं ऐसे आवेदक जीएफएमएस पोर्टल पर अपनी पर नवीन पंजीयन और पूर्व से पंजीकृत आवेदक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। तो आप सीधे तौर पर गूगल पर जा कर के क्रोम ब्राउजर या किसी भी ब्राउजर पर GFMS डालेंगे, पहले वाला लिंक पे ओके करेंगे, वहाँ राइट साइड आपको यहाँ पर मिल जाएगा नवीन पंजीयन। वहाँ पर जा कर के आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे, मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद आप कैप्चा कोड डालेंगे, ओके करेंगे, आधार से ही KYC हो जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड आपके उस मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जाके आप योग्यता वगैरह अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है कमेंट करिए। वहीं नवीन आवेदकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण हेतु कार्यवाही का पूरा विवरण आपको यहाँ पर बता देते हैं। लेकिन नवीन पंजीयन हेतु आवेदक लिंक के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। आधार KYC करें, शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता की जानकारी को दर्ज करना पड़ेगा, उसका परीक्षण करना है, अपडेट करना है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या उसके उपरांत अगर आपने शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसकी जानकारी को भी वहां पर दर्ज करना है। वहीं पंजीकरण में दर्ज समस्त योग्यताओं की मूल अंक सूची यानी ओरिजिनल रिकॉर्ड लेकर संकुल, किसी भी संकुल में आप जा सकते हैं। विद्यालयों का एक संकुल होता है, उस संकुल वाले स्कूल पर आप जाएंगे, वहाँ के संकुल प्राचार्य की आईडी से जो भी बाबू वगैरह काम देखते होंगे उनको आवेदन को ऑनलाइन सत्यापन कराना है, वेरीफाइड कराना है। संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन के उपरांत आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। यह स्कोर कार्ड आपको खुद से अपनी आईडी से जा करके निकालना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लें या प्रिंट आउट ले लें, प्रिंट आउट ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहीं यहाँ पर पुराने जो अतिथि शिक्षक हैं ऑलरेडी 7 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं GFMS पोर्टल पर, वैकेंसियाँ 70-75 हज़ार काम कर रहे हैं अतिथि शिक्षक हैं और कई गुना ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं। इसलिए पूर्व से जो अतिथि शिक्षक यहाँ पर काम कर रहे थे वह नई भर्तियों का विरोध भी कर रहे हैं। पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा पोर्टल पर जानकारी अद्यतन किया जाना है। वहीं यहाँ पर जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए जिनका स्कोर कार्ड बना उनको पंजीयन नहीं करना है, लेकिन अगर उनको कोई भी अपनी योग्यता जुड़वाना है तभी वह आवेदन को अनलॉक करेंगे। वही पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। नवीन शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता दर्ज करने हेतु प्रोफाइल को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक होने के लिए आवश्यक है कि आप जहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ से आपको पोर्टल से हटा दिया गया हो, तभी आप आवेदन को अनलॉक कर पाएंगे। वहीं नवीन शैक्षणिक सत्र में व्यावसायिक और योग्यता की जानकारी अपडेट कर सकते हैं, उसको संशोधन कर सकते हैं। कोई गलती थी आवेदक के द्वारा योग्यताओं के अपडेशन संशोधन करने के उपरांत आपको भी संकुल प्राचार्य से ऑनलाइन सत्यापन करा के आवेदन को लॉक कराना है, तभी आप पोर्टल पर दिखेगा आपका नाम। संकुल प्राचार्य द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? आवेदक द्वारा आवेदन में दर्ज समस्त योग्यता का मूल दस्तावेज मिलान किया जाएगा। उसकी जानकारी अगर सही है तो पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन का कार्य कर दिया जाएगा। 2 मिनट का कार्य है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। आवेदन सत्यापन उपरांत आवेदक को प्रिंट निकाल कर दे दिया जाएगा कि आपका वेरीफाइड हो चुका है। आवेदन में दर्ज किए गए दस्तावेज की 6 प्रति अभिलेख में संधारित करना है, 1 प्रति अपनी अंक सूची वगैरह का वहाँ पर जमा करना है। नवीन पंजीयन हेतु स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करना है, जिसे अधिक से अधिक संख्या में आवेदन का पंजीकरण होना है।
यह जो कार्यवाही है यहाँ पर 15/6/2024 तक करना सुनिश्चित करना है, लेकिन यह तारीख बढ़ जाएगी। हर बार यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक बार फिर से 10 दिन या एक सप्ताह के लिए तारीख को बढ़ा दिया जाएगा, तो यहाँ पर परेशान नहीं होना है। वहीं